जौनपुर में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार जीजा साले की मौत हो गई। दोनों देर रात घर आ रहे थे कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के समधेपुर गांव के पास हादसा हो गया। हादसे के बाद परिजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरपताहा थाना क्षेत्र के सराय मोहिद्दीनपुर गांव निवासी राधेश्याम के शाहगंज क्षेत्र के भरौली गांव में ससुराल थी। राधेश्याम सोमवार की रात करीब 12 बजे ससुराल से साली किरण के साथ बाइक से घर जा रहे थे। क्षेत्र के समधीपुर गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में जीजा साली की मौके पर ही मौत हो गई। चालक स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या मामला है ये? मामला यही कि रात में जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास ये अपनी साली को उपचार हेतु लिवा के आ रहे थे। हमारे यहाँ लोकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेंद्रबीन जी, उन्हीं के यहाँ जाते समय रास्ते में घटना हुई। कैसे, क्या हुआ था, किस चीज़ से थे ये? ये मोटरसाइकिल थे अपने, वही रिश्तेदार साली को लिवा के आ रहे थे, पीछे से एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दिया। क्या दोनों की मौत? आगे जी दोनों की। आगे कहाँ, किस गाँव के रहने वाले थे? सराय मोहिद्दीनपुर। घटना कहाँ हुआ था? घटना ये समझे आस पास। क्या नाम है? टक्कर मारा रविशंकर चतुर्वेदी। देर रात हुए इस हादसे ने सबकी आंखें नम कर दी। उधर हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक हुए इस हादसे से परिजन गमजदा है। पंजाब केसरी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।